देखिए हम लोगों के बीच में फोटो होने दो भाई, हाथ जोड़ दो, इस प्रांगण में उपस्थित होने का कष्ट करें, क्योंकि जो आपके बीच जो संत लोग उपस्थित हुए हैं, अब बाबा साहब और गुरु महाराज जी का अमृत बारी से जलपान कराएंगे। आप लोग जल्द से जल्द संत कबीर मठ तुर्की मुजफ्फरपुर के महंत डॉक्टर सुंदरदास शास्त्री महाराज जी एवं आज का मुख्य अतिथि बापू महाराज जी, जो अभी भारतीय विदेशी धर्म संगठन के चेयरमैन धर्म गुरु संत स्वामी निरंजन दास महाराज जी के परम शिष्य गुरु महाराज जी के ऊपर मल्यार्पण किए। अब आज के हमारे उद्घाटन करता महोदय डॉक्टर सुंदरदास शास्त्री महाराज जी, जो सचखंड डेरा जलंधर पंजाब के प्रतिनिधि है, जोरदार ताली। साथियों, अब आए हुए सभी हमारे बापू महाराज जी के साथ, हम डॉक्टर सुंदरदास शास्त्री महाराज जी के साथ आए सभी अध्यक्ष श्री रविंद्र कुमार जी, अखिल भारतीय विद्यार्थी अध्ययन संगठन के अध्यक्ष श्री रविंद्र कुमार जी, गुरु महाराज जी के तैल चित्र पर पुष्प अर्पित। बाबू महाराज जी कुड़ारी धाम जहाँ 55 एकड़ में बना है गए थे, उस धाम के अध्यक्ष जंग बहादुर हम लोगों के गार्जियन आज को उद्घाटन करते महोदय। महाराज जी की फ्लाइट है, समय नहीं है, और महाराज जी के बातों को हम चाह रहे हैं कि महाराज कार्यक्रम में उपस्थित होने का कष्ट करें। साथियों माला से सम्मान करें, जोरदार ताली हो जाए। साथियों महाराज जी का सम्मान करें, श्याम जारी जी आप हमारे आज को उद्घाटन करता महोदय डॉक्टर सुंदरदास शास्त्री महाराज जी का सम्मान करें माला से। साथियों अब अगले गले के रूप में अंग वस्त्र से जोरदार ताली बजाए, माला भी दीजिए। साथ में लोग भंग हो गए, महाराज जी ने अपना सारा बहुमूल्य समय कीमत निकाल करके हम लोगों के बीच में आए करके फ्लाइट पकड़ करके आए, और फ्लाइट में जाना भी है महाराज जी को, और महाराज जी ने समय निकालते हुए फ्लाइट का टिकट तत्काल कराकर। साथियों समय का भाव रहने के कारण, मौसम खराब हो जाने के कारण थोड़ा सा विलंब हुआ कार्यक्रम में। अब अगले कड़ी सम्मान कर रहे हैं, देखिए जोरदार ताली हो जाए, जो पंजाब के धरती से चल करके महाराज जी के साथ आए हैं। अब अगले कड़ी के रूप में इसमें है आत्माराम तुक्के जी का सम्मान हो रहा है रामोशी जी के द्वारा, जोरदार ताली हो जाए, जोरदार ताली और जोरदार पहुंचे हुए महाराज जी और जोरदार ताली हो जाए, जोरदार ताली। कुलदीप सिंह जी का सम्मान हो रहा है, साथियों हम लोग जिन इकट्ठे हुए हैं जिन सगुर स्वामी गरीबदास जी महाराज, अमर शहीद संत रामानंद जी महाराज, वर्तमान गद्दी नसीन सदगुरु स्वामी निरंजन दास जी महाराज, डेरा सचखंड बल्ला वहां से पधारे हुए मंचासीन
श्री वीरेंद्र दास जी पप्पू जी महाराज, हमारे भैयालाल जी भगत जी और मंच पर विराजमान सभी हमारे विद्वत जन प्रबुद्ध जन इस सभा में उपस्थित सभी गुरु प्रेमियों माताओं बहनों प्यारे बच्चों, आज हम सभी लोग अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन के तत्वावधान में एक सौ अट्ठाईसवीं जयंती समारोह परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की इस ग्राम सभा में मना रहे हैं। बड़े ही सौभाग्य की बात है कि ऐसे शुभ अवसर कभी कभी मिलता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, गुरु रविदास जी मध्य काल में आज से लगभग 600 वर्ष पूर्व इस धरातल पर आए थे। उस समय की विषम परिस्थितियां बहुत ही दयनीय थी। इस भारतवर्ष की परिस्थितियां ऐसी थी कि आज जिस तरह से हम सभी लोग बैठ करके जयंती समागम एवं धर्मचर्या की कथा सुन रहे हैं, वार्ता कर रहे हैं, आज जो हम लोग कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, कितने ऊंचे मंचों पर बैठे हुए हैं, ये सब मध्यकालीन समय गुरु रविदास जी के समय में ये सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त नहीं था। उसके लिए गुरु रविदास जी ने बहुत संघर्ष किया, समाज में सम्मान के लिए, बराबरी के लिए, हम इंसानियत के नाते इंसान के रूप में इस दुनिया में आए, किंतु गैर बराबरी के दर्जा और छुआछूत के शिकार हो गए और समाज में जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान समाज को नहीं मिल रहा था। उसके लिए गुरु रविदास जी ने बहुत ही प्रयास किया और बहुत कठिन परिश्रम, बहुत संघर्ष किया। उनकी वाणियों में लिखा गया है, स्वयं उन्होंने कहा है, रविदास रैन नहीं सोइए, दिवस न करिए आहार, मेरी संगत सोच पोच दिन राती, मेरी कर्म कुटिलता जन्म कुभाती। गुरु रविदास जी ने उस समय की सामाजिक व्यवस्थाओं के ऊपर अपना जो विचार रखा, मेरी संगत सोच पोच दिन राती, हमारी जो संगत है, हमारे जो लोग हैं, इनके विषय में मैं रातों दिन सोचता हूं, विचार करता हूं। उन परिस्थितियों में अकेला व्यक्ति आज से लगभग 600 साढ़े 600 वर्ष पूर्व
इस समाज को उठाने के लिए, बराबरी का दर्जा दिलाने के लिए, सम्मान पूर्वक जिंदगी जीने के लिए रातों दिन सोच रहा है। मेरी संगत सोच पूछ दिन राती, मेरा कर्म कुटिलता जन्म कुभाती। वो कहते हैं कि हमारा जो कर्म है, हम इतने मजबूर कर दिए गए हैं, ये समाज इतना मजबूर कर दिया गया है कि अच्छे कर्मों को भी ये नहीं कर पा रहा है। स्कूलों में पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है, किसी भी प्रकार के भक्ति भाव ये करने का कोई इसे अधिकार नहीं है। आज दुनिया भर के भगवान जो है इस दलित समाज के घर में आ गए हैं, दुनिया के देवी देवता उनके घरों में जो है प्रवेश कर गए हैं। हम उन परिस्थितियों में उनका नाम नहीं ले सकते थे। यदि राम का नाम ले लिया जाता था, शिव शिव यदि कह दिया जाता था तो उनकी जीभ काट ली जाती थी। आज ये समाज इन परिस्थितियों उन सारी चीजों को भूल गया है। गुरु रविदास जी के समय और उससे और भी पूर्व के समय में ये समाज किस तरह से जिंदगी जी रहा था, मुख से जिह्वा से भगवान का नाम का उच्चारण नहीं कर सकता था, कानों से वेद मंत्रों का, किसी भी प्रकार के हिंदू धर्म के किसी भी धर्म ग्रंथों की कथा वार्ता वाणी को श्रवण नहीं कर सकता था। किंतु ये समाज आज भूल गया है। आज इनके घरों में ढूंढिए तो गुरु रविदास जी की कोई किताब नहीं मिलेगी, बाबा साहब की कोई किताब, कोई संविधान की किताब नहीं मिलेगी, बल्कि रामायण गीता भागवत वेद पुराण सब मिल जाएगा। और जिन चीजों के लिए संघर्ष करना पड़ा उस समय हम उच्चारण नहीं कर सकते थे, आज बड़े शौक से चौराहे पर हम उनकी वाचन करते हैं, पाठ करते हैं, उसमें गौरवान्वित होते हैं, और उसमें भी वो सही ढंग से नहीं पढ़ते हैं, उसमें भी वही व्यवस्थाएं लिखी गई है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब तारण के अधिकारी, पूजी विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजी वेद प्रवीणा, ये सब कुछ लिखा है और उसको भी पढ़ते हैं। पता नहीं उनकी समझदारी कहाँ चली गई है कि जिन किताबों में उनको गाली दी गई है उन किताबों को खूब बढ़िया ढंग से पाठ करते हैं, और जिन किताबों में इनके जीवन की सराहना की गई है, जिससे इनका भविष्य बना है, जिनसे आज हमें कुर्सी पर बैठने का, हमें बढ़िया से समाज, हमें पार्लियामेंट से लेकर हर जगह जाने का जो अधिकार मिला है, उससे हम लाखों कोस दूर है। गुरु रविदास जी जिनके विषय में आप लोग कम जानते हैं, उनकी वाणियों को आप लोग कम पढ़ते हैं, वो रातों दिन इस समाज को जगाने के लिए रात में सोते नहीं है, दिन में भोजन नहीं करते हैं, इस दुख से संतप्त होते हुए उनको अच्छा नहीं लगता है कि हमारा समाज जात भी ओछी, पात भी ओछी है, ओछा जन्म हमारा। वो कहते हैं कि जन्म भी हमारा ओछा है, छोटा है, नीच है, पंक्ति हमारी, पंक्तियों भी खाने पीने से बैठने से लेकर के हमारी जो पंक्तियां हैं वो भी अलग लगाई जाती है, हम अछूत के रूप में देखे जाते हैं। खुद गुरु रविदास जी ने आज से लगभग 650-700 वर्ष पूर्व में इस बात को अपनी वाणियों में लिखा है, जो गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज है, आप उसे पढ़ने की जरूरत है। इन महापुरुषों ने किस तरह से इस समाज को उठाने के लिए कितना प्रयत्न किया है, कितना संघर्ष किया है, और उन्होंने जो प्रयत्न
और जो प्रयास किया उनके भावी समय में जैसे बाबा साहब आए और उनके भी दिल दिमाग में ये सब सारी बातें जो महापुरुषों ने जिस चीज की लड़ाई लड़ी थी उसको भली भांति उसको महसूस करते हुए, क्योंकि उनके साथ भी जब हम कहीं तालाब में पानी नहीं पी सकते थे, जब कुत्ता पानी पी सकता था लेकिन आदमी मनुष्य उसमें पानी नहीं पी सकता था, जब बाबा साहब ने अंग्रेजों के सामने कुत्ते पीते हुए तालाब में जो महार जल सत्याग्रह आप लोगों ने सुना होगा पढ़ा होगा, हमारे पढ़े लिखे लोग जानते होंगे कि कुत्ता पानी पी रहा है उसको जो है कोई नहीं बोल रहा है, किंतु एक दलित वर्ग का व्यक्ति उसमें जब ही पानी पीने के लिए जाता है उसको ईंट पत्थर से लोग मारना शुरू करते हैं। ऐसे ऐसे जो परिस्थितियों से उबारने का जो प्रयास महापुरुषों ने जो किया है, बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने ऐसे महापुरुषों के याद में उनके जयंती समारोह मना रहे हैं। उन्होंने इन परिस्थितियों से अवगत होते हुए कितनी उन्होंने पढ़ाई की और कितनी विद्वता हासिल की कि वह सिंबल ऑफ नॉलेज की सिंबल ऑफ नॉलेज रहे। 300 वर्षों का जब खोज कराया जहां विदेशों में पढ़ते थे बाबा साहब, उस यूनिवर्सिटियों में जब उनकी खोज कराई गई तो 300 वर्षों के इतिहास में उनसे कोई ज्यादा पढ़ा लिखा विद्यार्थी नहीं मिला। उस यूनिवर्सिटी ने उन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज की उपाधि दी जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। और जब उन्होंने भारत का जब संविधान लिखा, जब भारत का संविधान जब लिखा तो उन्होंने उन अनुच्छेदों में धाराओं में ऐसा विधान बनाया कि जिन देवी देवताओं से लेकर के जिन जो समाज के दबंग और सबर समाज के जो लोग थे जो किसी भी तरह से प्रताड़ित करते हुए जो उन्हें समाज को प्रताड़ित करते थे उनके लिए ऐसी ऐसी धाराएं उन्होंने दी कि आज किसी भी तरह से यदि आंख भी उठा करके देखें तो उनको जेल की हवा खानी पड़ सकती है। और आज हम सभी लोग बाबा साहब के संविधान के वजह से सुरक्षित हैं और बाबा साहब के दिए गए विधान के वजह से हमारे शिक्षा के दरवाजे से लेकर के हमारे राजनीतिक क्षेत्र से लेकर के हर क्षेत्रों में हमें जो आजादी मिली है हम कहीं भी जा सकते हैं और अपने को कितना ही जो ऊंचाई है उन ऊंचाइयों तक अपने को पहुंचा सकते हैं। बशर्ते इन महापुरुषों का जो संघर्ष है उन संघर्षों को हम याद रखें कि हमारे लिए इन महापुरुषों ने क्या किया है। लोग कहते हैं उनके विषय में पढ़ते नहीं, उनके विषय में कुछ जानते नहीं। जो चीज हमें 151 वर्ष 1433 की मांग सुधी 1500 और दुखियों के कल्याण हित प्रकटे गुरु रविदास संभव 1433 में गुरु रविदास जी इस धरातल पर आए बनारस की सरजमी पर। हमारे ख्याल से इस बनारस मंडल में ही आप लोगों का पड़ता होगा ये परिक्षेत्र। बनारस मंडल के क्षेत्र में इसी क्षेत्र में गुरु रविदास जी आए संभव 1400 विक्रमी संभव 1433 में। उस समय की परिस्थितियों का उन्होंने उल्लेख किया, मेरी जात कुटबाडला ढोर ढोवंता नित ही बनारसी आसपासा। उस समय यह समाज मजबूर था और मरे हुए पशुओं को ढोने के लिए मजबूर था, किंतु उन्होंने कहा कि मेरी जात कुटबाडला ढोर ढोवंता नित ही बनारसी आसपासा अब विप्र प्रधान ते करे दंडवती तेरे नाम शरणाई रविदास दासा। क्या कहा कि मेरे पूर्वज लोग मेरी जाति के लोग
मरे हुए पशुओं को ढोते हैं, उनकी खाल निकालते हैं। मैं उस जाति समाज में पैदा हुआ हूं। यदि ऐसी बात नहीं वो लिखते, अपनी पहचान वो नहीं बताते, तो गुरु रविदास जी भी उनको भी सर्टिफिकेट हो सकता है कि सवर्ण का जो है सर्टिफिकेट दे करके और दलित समाज से उनको छील दिया गया होता। जैसे वाल्मीकि जी को उन्होंने अपने समाज से उनको जो है उनको ब्राह्मण बना करके और वो मानते हैं। तमाम महापुरुषों को उन्होंने सर्टिफिकेट दे दिया। बहुत से ऐसे दलित और पिछड़े महापुरुष हैं जिनको उन्होंने जब उनकी ख्याति बढ़ गई तो क्या कहा, संत कबीर को कहा विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुए इसलिए वो ब्राह्मण थे। गुरु रविदास जी को भी उन्होंने प्रयास किया और कहा ये पूर्व जन्म के ब्राह्मण थे भाई, किसी न किसी रूप से यदि उन्होंने अपनी वाणियों में जगह जगह अपने को इन शब्दों से संबोधित नहीं किया होता तो आज वो हम लोगों के गुरु नहीं होते, वो कुछ गुरु अन्य के ही होते। क्योंकि गुरु रविदास जी के बावन जो उस समय क्षत्रिय राजे थे वे सभी उनके शिष्य थे। सबसे बड़ा जो क्षत्रिय राजा था राणा कुंभा, जिसकी पत्नी झालीबाई थी और वो बनारस में आकर के उनसे शिष्या बनी थी। ये कोई पौराणिक गाथा नहीं है, सब ऐतिहासिक घटनाएं हैं। जिस समय झालीबाई आकर के और बनारस में गुरु रविदास जी से शिष्या बनी थी, उसकी गाथाओं को आप लोग जानेंगे। जब यहाँ वो शिष्या बन करके चित्तौड़गढ़ में पहुंची, वहां भी लोग जा करके और वहां राणा कुंभा को लोगों ने जाति से बहिष्कार कर दिया और कहा कि तुम्हारी पत्नी जो है एक चमार संत गुरु की वो चेली बन गई, इसलिए तुम जाति से बहिष्कृत किए जाते हो। इसके लिए तुम बहुत बड़ा भंडारा करो, आयोजन करो, दान करो, तब तुमको फिर जाति में मिलाया जाएगा। इस तरह से दंड का प्रावधान लोगों ने किया, लेकिन मीराबाई और तमाम जो राजा लोग थे वो सभी राजाओं ने गुरु रविदास जी के अंदर जो ज्ञान था, जो उनके अंदर जो त्याग था, जो उनके अंदर तपस्याएं थी और इनसे प्रभावित हो करके वो ब्राह्मण लोगों गुरु न स्वीकार करते हुए गुरु रविदास जी को लोगों ने गुरु माना। आज देखिए मीराबाई जगह जगह गुरु मिलिया रविदास जी जिंदी ने ज्ञान की गुटकी इस तरह से कहते हुए वो अपने भजनों में गाती है, मैं गुरु मिलिया रविदास है। इस तरह से अपने भजनों में गुरु रविदास जी की महिमा की बखान करती, जिंदगी भर जो है वो गुरु रविदास जी का नाम लेती रही। आज अन्य जो लोग हैं गुरु रविदास जी का नाम लेते रहे, किंतु ये जो समाज जो गुरु रविदास जी के ब्लड से उसका रिलेशन है, खून का रिश्ता है, ये समाज कैसे भूल गया है। और जिनके लिए वो 151 बरस 151 बरस तक इस समाज को ऊंचे सम्मान दिलाने के लिए अंत में उन्होंने ये भी उनको कहना पड़ा, ऐसा चाहूं राज जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। उन्होंने कहा कि मैं ऐसी राज्य की कामना करता हूं कि जहां पर छोटे बड़े एक समान हो और सबको सम्मान मिले, सबको पर्याप्त भोजन पानी हर चीज की जो आज की मुख्य जो मनुष्य की जो सुविधाएं हैं, व्यवहारिक जो सुविधाएं हैं उसके जीवन में जो उस सुविधाओं के बिना वो चल नहीं सकता है जो सबको चाहिए। और बाबा साहेब ने भी उसी बात को कहा, क्या कहा, बाबा साहेब ने जब संविधान दिया उस संविधान में सबसे पहले बाबा साहेब ने इसी बात को उन्होंने कहा
मनुष्य का जो मूल मूल जो कहना चाहिए कि जो अधिकार है, मूल अधिकार, जैसे ये रोड है, रोड पर सभी चल सकते हैं, कुआं है सभी पानी पी सकते हैं, तालाब है तालाब में सभी पानी पी सकते थे, किंतु बाबा साहब के बचपन में या गुरु रविदास जी के समय में, या आप देखिए तालाबों के पानी, उसमें जानवर पानी पी सकता था, उसमें भैंस स्नान कर सकती थी, किंतु जो दलित समाज है उसमें पानी नहीं पी सकता था। इसके लिए उन्होंने कहा कि ये जो मूल अधिकार है संविधान में, उन्होंने जो मूल अधिकार दिया जिससे मनुष्य को वंचित नहीं किया जा सकता है। सरकारी हैंड पाइप है, कोई रेलवे स्टेशन है, कोई ट्रेन है, एरोप्लेन है, इस तरह से जो भी सरकारी संपत्तियां है, जिस पर सार्वजनिक संपत्ति है, स्कूल है, कॉलेज है, जो भी मतलब जो है सार्वजनिक संपत्ति है, उस पर किसी भी जाति वर्ण व्यवस्था के लोगों को जाने पर कोई उन्हें रोक नहीं सकता है। इन मूल अधिकारों को बाबा साहब ने दिया। कहां से लाया उन्होंने, जो गुरु रविदास जी ने कहा, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न, छोट बड़े सभी समान रूप से हो। और एक और भी उन्होंने कामना की और कहा, बेगम पूरा शहर को नाऊ, हम ऐसे शहर की कामना करते हैं, ये भारतवर्ष जो जातिगत व्यवस्था छुआ छूत ऊंच नीच का देश है, हम ऐसे देश की कामना करते हैं, ऐसे शहर की कामना करते हैं जहां पर मनुष्य मनुष्य के रूप में हो, न किसी प्रकार की जातिगत व्यवस्था हो, न कोई ऊंच नीच हो, न कोई भेदभाव हो। ऐसे जो है गुरु रविदास जी ने अपनी वाणियों में ये बखान की कामना की कि बेगम पूरा शहर को नाऊं। तो इस तरह से गुरु रविदास जी और जो बाबा साहब की सामूहिक रूप से आप लोगों ने गुरु रविदास जी के इस अखिल भारतीय गुरु रविदासिया धर्म संगठन के तत्वावधान में बाबा साहब की जो जयंती का आप लोगों ने जो आयोजन किया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप लोगों ने मेरे वक्तव्यों के माध्यम से आप लोगों ने बहुत सी नई चीज की जानकारी आप लोगों ने प्राप्त की होगी कि गुरु रविदास जी ने इस समाज के लिए क्या किया और बाबा साहब ने क्या की। इस तरह से बाबा साहब ने बहुत कुछ इस समाज को जो उठाने के लिए जो संविधान के द्वारा जो कार्य किया, ये तमाम उन महापुरुषों की ही ये देन थी, उनकी प्रेरणा थी जो आगे चल करके बाबा साहब ने ऐसा कार्य किया। तो अब हम लोगों को इसमें संकल्प लेना चाहिए जो हमें आगे बढ़ने के लिए जो महापुरुषों ने कहा है। गुरु रविदास जी ने कहा, रविदास जन्म के कारण होत न को नीच, नर को नीच कर डारी है ओछे कर्म की ईच। जन्म के वजह से हम ऊंच नहीं और न हम नीच है, क्योंकि सबकी पैदाइशी तो एक जैसी ही होती है। संत कबीर ने कहा, तू कत ब्राह्मण हम कत शूद, अब तुम कत लोहू हम कत दूध। तू कैसे ब्राह्मण हो गया और हम कैसे शूद्र हो गए, तुम्हारे अंदर कौन से रक्त और हमारे अंदर कौन से अलग दूध है। काली केरी तुम्हू गाई ताकर दूध देव बिल गाई, काली गाय और सफेद गाय, पीली गाय, कोई भी कलर की गायों को दूध दूध दिया जाए एक बर्तन में और उससे कहा जाए कि क्या इसे आप अलग कर सकते हैं, इसमें कौन से दूध जो है काली गाय की है और कौन सी दूध पीली गाय की है,
कौन से दूध नीली गाय की है या लाल गाय की है। एक दूध में तरह तरह के कलर वाली गायों के दूध को मिला दिया जाए तो उसे अलग करना संभव है। इसी तरह से ये जो मनुष्य है जो गोरे काले तमाम तरह तरह के वर्ण वर्ण माने रंग रंग वर्ण माने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं वर्ण माने कलर होता है। ये देखिए किस प्रकार से जो गरीब जनता दुखित जनता में इस चीज को मूर्खता पूर्ण दबाव के बस उसे दिमाग में ये घुसा दिया गया कि वर्ण बने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र होता है। किसी भी व्याकरण में वो पढ़ा लिखा होगा तो व्याकरण पढ़ेगा ना, भाई इंग्लिश का जो ग्रामर पढ़ेगा, संस्कृत का व्याकरण पढ़ेगा, हिंदी का व्याकरण पढ़ेगा, तो हिंदी किसी भी व्याकरण में वर्ण बने कलर होता है, वर्ण बने रंग होता है, वर्ण बने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं होता। किंतु आपके दिल दिमाग में ये बात घुसा दी गई है कि वर्ण बने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। चार बार अपने वर्चस्व को कायम करने के लिए वर्ण बने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आप जानते हैं, जबकि ये चार नस्ल है, चार नस्ल आप सभी लोग जानते हैं। ब्राह्मण कहां से आए? यूरोप कंट्री ईरान से आए, मध्य एशिया से आए, आए ना। उस समय उनका कलर क्या था? गोरे थे, कल जैसे सफेद कपड़ा है ना इस कलर के, आज भी वहां गोरे लोग हैं। हमारे जो बब्बू महाराज बैठे हुए हैं, स्वामी संत निरंजन दास जी महाराज ने इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा तमाम देशों में गुरु रविदास जी के धर्म को फैलाया है, और वो गोरे लोग भी महाराज जी के शिष्य हैं। वो गुरुद्वाराओं में, मठों में, मंदिरों में बनारस आते हैं, आज भी देखेंगे तो व्हाइट लोग हैं। यही व्हाइट लोग यहाँ आए थे यूरोप कंट्री से, वो वर्ण में थे, वर्ण माने व्हाइट कलर, लेकिन अब उनको व्हाइटनेस कहां चली गई भाई। यहाँ इस भारत वर्ष में अब कोई व्हाइट जो है एकदम जो है कपड़े जैसे सफेद जो है कोई, अब कोई आदमी दिखाई देता है, और यदि दिखाई देता है तो उसको क्या कहते हैं? उसको कोई रोग मानते हैं। यहाँ इंडिया वगैरह में कोई चितकाबर दिखाई दे दे सफेद सफेद तो उसको क्या कहेंगे? उसको रोग कहेंगे। हाँ, उसको वर्ण कह सकते हैं, वर्ण बने चितकबरा है ना, वर्ण बने चितकबरा। लेकिन अब वो वर्ण बने जो लाल, पीला, काला, नीला, ये सब वर्ण है, लेकिन हम लोगों ने मान लिया, कभी उनसे प्रयास नहीं किया पूछने का, कभी हमने साहस नहीं जुटाया कि भाई ये जो तुम बात कर रहे हो ये तो तुम्हारी मूल इसकी जो अवधारणा है वही गलत है, तुम तो किसी वर्ण में है ही नहीं है। वर्ण चार वर्ण इस दुनिया में है, किस तरह से है, लेकिन वो वर्ण नहीं है, नस्ल है। साउथ अफ्रीका में जो है निग्रो होते हैं, एकदम काले होते हैं, और जापान, तिब्बत, चाइना, इन देशों में पीले कलर के लोग होते हैं। नाक को चिपटा होगा, मुख की बनावट और चेहरे की बनावट बिल्कुल अलग होगी। आप कहीं भी उन्हें देखेंगे तो कहेंगे कि ये जापानीज होगा, चाइनीज होगा, नेपाली होगा, तिब्बती होगा, ये तो आप दूर से ही देख के जान लेंगे। और जो व्हाइट वाला मिलेगा ये जरूर यूरोप कंट्री का होगा, ईरान ईरान साइड का होगा, दूर से देख करके आप बता देंगे। और इंडिया में जो लोग हैं ये इंग्लो इंडियन नस्ल है, ये सारे लोग एक ही नस्ल के लोग हैं, चाहे ब्राह्मण बैठा हो, चाहे क्षत्रिय बैठा हो, चाहे शूद्र बैठा हो, चाहे वैश्य बैठा हो। भाई आप जो मैंने बताया वर्ण ये चीज है, जिस दिन आप जान लेंगे कि वर्ण ये चीज है तो वो अपने को कहना छोड़ देंगे कि भाई जो हम वर्ण व्यवस्था की बात कर रहे हैं ये पुरुषों ने बताई है। एक महात्मा ने कहा,
मनु महाराज जो वर्ण व्यवस्था के संस्थापक थे, बनाया था, उनसे उन्होंने पूछा, मनु ने वर्ण बनाया था, जिस दिन तुमने वर्ण बनाया न्यारा रंग बनाया क्यों नहीं? वेदों में भी लिखा कि ब्राह्मण मुंह से निकल गया, क्षत्रिय बाहुओं से पैदा हो गया, वैश्य पेट से निकल गया और शूद्र पैर से निकला है? तो संत ने पूछा कि मनु जी वर्ण बनाए चा, जा दिन तूने वर्ण बनाया न्यारा रंग बनाया क्यों नहीं? रंग अभी बता रहे थे ना, गोरे पीले है? गोरे ब्राह्मण लाल छत्री पीले वैश्य बनाया क्यों ना? वर्ण बनाते अशुद्र बनाते काले रंग के, पीछे पैर लगाया क्यों ना? पीछे पैर रहता दूर से देखने से पता चल जाता कि ये शूद्र है। अब शूद्र को पहचानना पड़ता है, आप कौन है? अरे जाति, जाति मने पैदाइशी होता है। जाति क्या चीज होती है? जाति मने पैदा होना। क्या पैदा होना? जिसकी पैदाइशी एक जैसी हो उसकी वो जाति है। बकरी की पैदाइशी एक जैसी होती है, गधे घोड़े की पैदाइशी कुछ समय कुछ सिस्टम के अनुसार उनकी पैदाइशी अलग सिस्टम से होता है। मनुष्य की, सारे दुनिया के मनुष्यों की पैदाइशी बकरी और गाय घोड़े जैसे नहीं होती है। मनुष्य की पैदाइशी 9 महीने 13 दिन कितने उसमें जो है होता है और एक सिस्टम से होता है ना। जाति, जाति मने उन्हीं के महापुरुषों ने लिखा आकृति ग्रहणा जाति। आकृति मने बनावट, आकृति मने बनावट, चित्र फोटो, जिसका जिसकी बनावट जिससे मिलती जुलती है वो उसकी जाति है। दूर से देखेंगे गधे घोड़ों की बनावट, यहाँ आपने गधे घोड़ों को देखा और इंग्लैंड अमेरिका में भी गधे घोड़े को आपने देखा, पूछना नहीं पड़ेगा कि ये कौन है, कौन जाति है। दूर से पहचान लेगा कि ये तो जैसे भारतवर्ष में गधा घोड़ा है वो इंग्लैंड वाला गधा घोड़ा है, है? बकरी भेड़ सुअर कुत्ते, इनको दूर से देखते ही आप पहचान लेते हैं कि ये कुत्ते जाति का है, नस्ल है, है? तो मनुष्य को भी देखने से दूर से पहचान लेना चाहिए ना, पूछना पड़ता है कौन जाति है, कौन वर्ण है, कौन दूध है, कौन आश्रय है, ये सब पूछना पड़ता है ना, दुनिया भर की बातें पूछनी पड़ती है। तो इस तरह से ब्राह्मण कहते हैं मुख से पैदा मुंह फार फिर आया क्यों ना, क्षत्रिय कहते हैं भुजाओं से पैदा भुजा फार फिर आया क्यों ना, आप वैश्य कहते कि पेट से पैदा तो पेट फार फिर आया क्यों ना, और चारों वर्ण भग द्वारे निकला तो कहने में शर्माया क्यों ना, और झूठा पोथा लिखा पोप तूने भारत दिया बिगाड़, इस भारत देश की सत्यानाश इन लोगों ने कर दिया, ये जाति पात का व्यवस्था बना करके इस देश के सत्यानाश कर दिया, और इसके वजह से ये हजारों हजार वर्ष ये भारत वर्ष जात पात के चक्कर में पीछे चला गया और चंद लोगों के स्वार्थ के वजह से इस देश का दुर्भाग्य हो गया। इसलिए ये सब जातिगत व्यवस्था है, इन व्यवस्थाओं के विरोध में बाबा साहब चाहे गुरु रविदास जी चाहे कबीर साहब चाहे तमाम संत महापुरुषों ने जो संघर्ष किया, और आज ये देखिए ये झूठा पोथा है, ये झूठा लेखा है, उसके आधार पर इनकी सारी व्यवस्थाएं चल रही है, और वो हमें नीच स्पृश्य मानते हुए अपने को जो है ये ऊंचे बने हुए। जब हमको ये ज्ञान हो जाएगा, जब जानकारी मिल जाएगी, तो कभी भी जिंदगी में वो हमसे ऊंचे बनने की कोशिश नहीं करेंगे। इसलिए इन सब सारी बातों को जानने की जरूरत है, और मैं आज बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि हमारे तमाम संत लोग जो है वो बाहर जाने वाले हैं, समय का अभाव है। तो इस आयोजक मंडल जिन लोगों ने बहुत बढ़िया कार्यक्रम किया, और देखिए तरह तरह के थोड़े थोड़े समय पर पानी बरसता रहा,
और कार्यक्रम को डिस्टर्ब करता रहा। हम लोग भी दूर दूर से आए थे, बाकी आप लोगों को बहुत सारी बातें सुनाएंगे, लेकिन कार्यक्रम लगातार व्यवधान होता रहा। पानी बरसने से ये कपड़े भीग जा रहे हैं, अभी भी देखिए हम लोग बोल रहे तब तक ऊपर से पानी गिरने लगता है। इन सब सारी चीजों को देखते हुए समय भाव में मैं अब ज्यादा न बोलते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ और आयोजक मंडल के सभी सदस्यों को मैं धन्यवाद देता हूँ जिन लोगों ने इतना बढ़िया कार्यक्रम का आयोजन किया। और प्रत्येक वर्ष इस तरह का बढ़ चढ़ करके आयोजन लोग करते रहे, हम सभी लोग इसमें सहभागी रहेंगे। धन्यवाद।